इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिस तरह की हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, अब उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मजीद एक्सपेंड करके हम एक न्यू क्वांटिटी या एक न्यू टर्म यहाँ पर हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास एक ऐसा टर्म है ग्रेडियंट, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी पोटेंशियल का, किसी फील्ड का एक ऐसा डायरेक्शन लेते हैं जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज आ रहा हो, तो उस डायरेक्शन को हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब अगर आप देखें पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्शन जिसमें पोटेंशियल की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी इंटेंसिटी है, उसमें मैक्सिमम चेंज आ रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहां पर मैंने एक हीटर जो है ऑन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने इसको ऑन किया हुआ है, स्विच ऑन किया है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हीट प्रोड्यूस करना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर खड़े हैं और आप डायरेक्टली जो है सपोज इसकी तरफ रवाना हो जाए, ये देखें ये आप बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और एक दूसरा पाथ है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आप यूं जा रहे हैं इस डायरेक्शन से, देखें यूं आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, दूसरा एक डायरेक्शन ये है आप यूं आ रहे हैं फिर इस डायरेक्शन में आते हैं। तो देखिए अगर आप इस डायरेक्शन में आते हैं तो आप इस हीटर की तरफ डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उसकी तरफ करीब तो जा रहे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से, यानी जो आपका डिस्टेंस है और हीटर का डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है, यानी आप बहुत आहिस्ता बहुत स्लो स्पीड के साथ उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसकी जो हीटिंग इफेक्ट है, जब आपको वो फील होगा तो उसमें कम चेंज आएगा। लेकिन इसी तरह अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो देखें आप डायरेक्टली उसकी तरफ नहीं जाते, तो हीटिंग इफेक्ट जो है यहाँ पर भी आप कम फील करते हैं इस पाथ पर यूं। इसी तरह अगर आप इस पाथ को फॉलो करें स्ट्रेट, सो इस पाथ पर जब आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हीट में चेंज आ रहा है वो बहुत ज्यादा आता है, यानी आप डायरेक्टली उसकी तरफ अप्रोच करते हैं, बिल्कुल सीधा उसकी तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर कम हीट आपको फील होगा, यहाँ पर उससे ज्यादा, यहाँ पर उससे ज्यादा। जैसे जैसे आप इस पाथ को फॉलो करते हैं सो जो हीट में इंक्रीज आता है वो मैक्सिमम होता है, यानी एक ही आपके पास एक ऐसा पाथ हो सकता है जिस पर मैक्सिमम इंक्रीज आता है। सो ये एक एग्जाम्पल था, आम लाइफ का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम किस तरह जो है ग्रेडियंट को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब आप ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उसी तरह जो हमने टू प्लेट्स लिए थे उसी तरह का एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास है एक पॉजिटिव प्लेट जिसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और यहाँ पर हम लेते हैं एक अनदर प्लेट, इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर ले आप नेगेटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से होती है टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी इस प्लेट से इसकी डायरेक्शन होगी इस प्लेट की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव से अवे होगी और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक चार्ज रख लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा कि पॉजिटिव जो प्लेट है ये उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब जब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस पॉइंट से यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले भी हमने एक इक्वेशन डिराइव किया कि जब आप इसको अगेंस्ट द फील्ड ले जाते हैं, देखिए फील्ड का डायरेक्शन ये है और हम इस पॉजिटिव फील्ड को इस डायरेक्शन में यानी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, सो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास ए, तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वी ए, ये है पॉइंट बी, तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वी बी। अब दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो होगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू
डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर हम कितना वर्क डन करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो एक पॉइंट से जब आप उसको दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जितना वर्क डन आपने किया इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी तरह अगर आप देखें जो वर्क डन हमारे पास होता है, वर्क डन वो किसके इक्वल होता है, अगर आप रिकॉल कर ले अपने लोअर क्लासेस से वर्क डन की जो डिफिनीशन है वो देखें, तो वो हमारे पास होता है एफ डी के इक्वल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन होता है। इसी तरह अगर हम इसको यहां पर पुट कर लें वर्क की इक्वेशन में, सो ये बन जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, वर्क की जगह ये वैल्यू पुट कर लें एफ डी डिवाइडेड बाय क्यू, एफ डी डिवाइडेड बाय क्यू। अब देखें एफ डी तो हमने लिख लिया, अब जो एफ है, एफ यहां पर फोर्स है हमारे पास, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिकॉल कर ले, ये हमारे पास इक्वेशन वन फॉर एग्जांपल आ गया, अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन है हमारे पास ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितना फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अगर इससे हम फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें सो बोथ साइड्स इस क्यू से मल्टीप्लाई कर ले, क्यू से मल्टीप्लाई कर ले, सो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास इक्वल होगा क्यू ई के इक्वल, क्यू ई के इक्वल ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इसी फोर्स को आप यहां पर पुट कर ले इक्वेशन वन में, यहां पर पुट कर ले, सो वी बी जो पोटेंशियल का फर्क है वी बी माइनस वी ए वो बन जाएगा, एफ की जगह आ जाएगी वैल्यू क्यू ई, और ये डी अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम क्यू नॉट कहते हैं। ये एक इक्वेशन हमारे पास बनता है। अब अगर आप देखें इसमें ये भी क्यू नॉट है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, सो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है यानी इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क है वो आ जाएगी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई डी, ई डी। अब ये एक्चुअली हमने वर्क डन जो किया था अगर आप देखें तो वर्क डन हमने अगेंस्ट द फील्ड किया था, यानी अगर फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है सो हमने वर्क डन किया था इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये कि जो हमारा वर्क डन है उसको हम इन द अपोजिट डायरेक्शन लेंगे और उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन उसके लिए पुट करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये एक्सटर्नल वर्क डन है जो वर्क डन हमने किया है। तो इसीलिए यहां पर हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी, या अगर आप इस माइनस को इस साइड पे ले जाएं सो ये बन जाएगा माइनस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई डी। देखिए ये जो माइनस साइन है ये हम पहले भी पुट कर सकते थे, जो वर्क डन हमने यहां पर उसकी वैल्यू पुट की थी यहां पर देखें इक्वेशन वन में, हम इसको यहां पर भी पुट कर सकते हैं जस्ट के इसकी डायरेक्शन हमें पता चले कि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं सो इस डी पर डिवाइड कर ले बोथ साइड्स, तो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहां भी डी पर डिवाइड कर ले ई की वैल्यू आ जाएगी वी बी और माइनस वी ए, ये एक्चुअली डिफरेंस इन पोटेंशियल है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसी की जगह हम पुट कर सकते हैं डेल्टा वी, डेल्टा वी यानी एक पोटेंशियल से जब आप दूसरा डिफरेंस सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल, और माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी। अगर हम मोर स्पेसिफिकली इसको स्मॉल लेंथ में ले लें, यानी फॉर एग्जाम्पल जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है दोनों प्लेट्स के दरमियान, सो फिर यहां पर हम पुट करते हैं डी की जगह आर, रिप्लेस कर लेते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल वी बाय डेल आर। ये एक इक्वेशन आ गया जिसको हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो पोटेंशियल है वी वो रिलेट होते हैं, और इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाते हैं
उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सॉरी उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है। माइनस डेल वी बाई डेल आर का मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में नीचे आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसी डायरेक्शन पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक्चुअली पोटेंशियल का डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट।